संजय शर्मा, सर आज यहाँ आम आदमी पार्टी का पूरा हुजूम इकट्ठा हो चुका है, क्या कुछ करने वाले हैं? दिल्ली के अंदर एक तरफा लहर चल रही है आम आदमी पार्टी की, और बस शासन जो 15 साल से हम दिल्ली की जनता सहन कर रही थी बीजेपी का, उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। बिल्कुल सुपड़ा साफ होगा। 200 प्लस सीटें दिल्ली में आने वाली हैं, जो इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दौरा किया है, जिससे आपको ये हजूम आज दिखाई दे रहा होगा, इससे आपको स्पष्ट मालूम हो रहा होगा दिल्ली की जनता में कितना इसके अंदर जोश है और खरोश है इस बार एमसीडी में आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम लोग एकजुट है, पूरे एमएलए आए हुए हैं, और अब जो है न पंजा न फूल तो अब उड़े की धूल, इस तरीके के नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोग, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ओम प्रकाश सिंह है, मैं कानपुर से आया हूँ, कानपुर का पदाधिकारी हूँ। मैं आपका पदाधिकारी हूँ, यहाँ पर अपने प्रिय साथी को जिताने के लिए आया हूँ। साथी को जिताने के लिए यहाँ इतनी दूर आ गए जी? अरे आप पार्टी को जिताने के लिए मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय झा है, कानपुर मीडिया इंचार्ज हूँ मैं। कहाँ से आए? कानपुर से आए, उत्तर प्रदेश से आया हूँ मैं। जी जी, अपने अरविंद जी को देखने आया, उनकी सभा की सफल बनाने आया हूँ। क्या लगता है कि इस बार किसकी होगी एमसीडी में सरकार? बिल्कुल निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी की 100% सरकार बनने जा रही है, कम से कम 220 सीट, कम से कम 220 लग रही है। वो जो वीडियो वायरल हो रहे सत्येंद्र जैन के, ईडी के छापे लग रहे हैं, उसको कैसे? भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मसाला नहीं है बोलने के लिए, तो वो बुराई के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बस मसाला है, उनका मसाला है सिर्फ। लेकिन केजरीवाल जी की जो है उनके भी तो तोहमतें लग रही है भैया। भीड़ आप देख सकते हैं, तमाम लोग जो है उमड़ पड़े हैं, महिलाएं बच्चे बुजुर्ग सब यहाँ पर एकजुट हो चुके हैं। आप देखिए यहाँ पर तमाम लोग और महिलाएं भी आ चुकी हैं, तो महिलाएं भी हैं पीछे। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक दूसरे पर लोग जो है केजरीवाल जी को देखने के लिए उत्साहित हैं, और तमाम लोग जो है उमड़ पड़े हैं। आप ये भीड़ से अंदाजा लगाइए आज यहाँ कमला नगर में किस तरीके से हुजूम उठा हुआ है, और केजरीवाल जी की मेगा रोड शो रैली हो रही है। आप देखिए छोटे से छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, ये रैली तो निकल रही है। आप देख सकते हैं, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? तुषार। तो क्यों आए हैं यहाँ पर? केजरीवाल जी के लिए। केजरीवाल जी के लिए आए हैं? तो एमसीडी में केजरीवाल जी आएंगे? कैसे? अच्छे काम करके। 15 साल से तो एमसीडी में भाजपा को खत्म करो, केजरीवाल को लाओ। तो लोगों में उत्साह देखा जा सकता है कि तमाम लोग किस तरीके से जो है केजरीवाल जी को देखने के लिए उमड़ पड़े हैं। यहाँ पर तमाम भीड़ जो है उमड़ पड़ी है, कितने लोग हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर तैनाती भी मौजूद है, महिलाएं भी है। क्या नाम है? सुबलेश। क्यों आई है यहाँ पर? केजरीवाल के लिए। कहाँ से आई है? कहाँ से आई है? बख्तारपुर से। बख्तारपुर से आए? आप सब यूपी से आए? इतने दूर से यहाँ क्यों आए? पैसा वैसा मिला है क्या? क्या पैसा वैसा तो नहीं दिया गया है? नहीं। केजरीवाल जी के लिए आए? इसकी तरफ से ही आज हम तो चाहते हैं केजरीवाल के। केजरीवाल जी ने ऐसा क्या काम किया है जो केजरीवाल जी आने? मेहनत मजदूरी आदि। मैंने तो मजदूरी करे है। मजदूरी करते हैं आप जी? तो आपको टाइम पर जो है सैलरी वगैरह मिलती है? खेत में काम करते हैं जी। कहाँ से यहाँ पे क्यों आए? केजरीवाल के लिए आए, देखने के लिए। वो तो टीवी पे भी देख सकते हैं। नहीं, यहाँ पे देखना जरूरी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो तमाम जो भीड़ है, हुजूम है, वो केजरीवाल जी को देखने के लिए उमड़ा हुआ है। कानपुर, आगरा से, उत्तर प्रदेश से तमाम लोग आए हुए हैं। तमाम लोग यहाँ पर जो है जुलूस देख सकते हैं, कितना मेगा रोड शो है। ये यहाँ पर आज सभी एमएलए भी मौजूद हैं, और सभी प्रत्याशी जो निगम पार्षद उतारे गए हैं बतौर, वो लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। केजरीवाल जी का मेगा रोड शो रैली देखने के लिए तमाम लोगों की भीड़ उमड़ चुकी है। आप सामने देख सकते हैं केजरीवाल जी की रेस किससे नहीं कटेगी जो है ना, वो
हमेशा देश पर इसी तरीके से बनी रहती है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तमाम जो इनके कार्यकर्ता हैं और जो तमाम लोग हैं यहाँ पर उमड़